पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों पर चक्रवाती तूफान अम्फान के तबाही मचाने के बाद अब एक और तूफान आने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने निसर्ग नाम के एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है, जो कि 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 3 जून को निसर्ग चक्रवाती तूफान के उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट को पार करने की संभावना है। IMD ने ट्वीट कर कहा है कि दक्षिण पूर्वी और आसपास के पूर्वी मध्य अरब सागर, साथ ही लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में निसर्ग चक्रवाती तूफान के पूर्वी मध्य और आसपास के दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर दबाव के रूप में मजबूत होने की संभावना है। इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ने और 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात तटों के पास पहुंचने की काफी संभावना है, जिसे देखते हुए अब मौसम विभाग ने चक्रवात निसर्ग के चलते मछुआरों को एहतियातन समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। अब आपको बताते हैं कहां होगा निसर्ग का प्रभाव और कितना खतरनाक। निसर्ग उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है। इसके बुधवार को तट से टकराने की संभावना है। उस समय तक इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित होने की भी संभावना है। कहा जा रहा है कि निसर्ग हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों की ताकत से दुगनी ताकत का है। चक्रवातों की ताकत को हवा की गति से नापा जाता है। जितनी ज्यादा गति की हवा, उतना ताकतवर तूफान। सबसे मजबूत निसर्ग 95 से लेकर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति से जुड़ा होगा। दूसरी ओर अम्फान को कैटेगरी 5 के सुपर साइक्लोन के रूप में कैटेगराइज किया गया था, हालांकि ये बाद में कैटेगरी 4 तक कमजोर हो गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तूफान कितना खतरनाक है, तो आपको बता दें कि अगर ये चक्रवाती तूफान तेज हो जाता है तो महाराष्ट्र के कुछ तटीय जिले सीधे अपने पुनर्अनुमानित मार्ग की कतार में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी लैंडफॉल का सही स्थान निर्धारित किया जाना है, लेकिन ये मुंबई के करीब होने की संभावना है। पड़ोसी थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिद्धू दुर्ग भी प्रभावित होने की संभावना है और 4 जून तक इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी है, यानी कि निसर्ग अम्फान से भी ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम है। न्यूज़ डेस्क।